पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल पर वैट कांग्रेस ने बढ़ाया था, जबकि उनके घोषणा पत्र में वैट कम करने का वचन दिया गया था। गलती कांग्रेस की है और पूछ हमसे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए कहा, जब किसान आंदोलन चरम पर था तब राहुल गांधी विदेश चले गए थे। उन्होंने कहा, कांग्रेस टीवी और ट्विटर पर चलने वाली पार्टी है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, भाऊ हो या दाऊ सब घुटनों पर आएंगे। उन्होंने कहा, जनता से संपर्क हमारा आधार है। सभी मंत्री अपने परिवार के जिलों में कम से कम 2 दिन भ्रमण करके आए हैं। सोशल मीडिया पर भी धीरे धीरे सभी के फॉलोअर्स बढ़ते चले जाएंगे। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने जनता पर ना कोई भार डाला है ना कोई भार डालेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए जनता भगवान है। अभी आर्थिक हालात उतने अधिक अनुकूल नहीं है। वित्तीय स्थिति अनुकूल नहीं होने के बाद भी शासकीय कर्मचारियों को राहत देने की पहल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। कर्मचारियों के लिए रुका हुआ था, वित्तीय स्थिति उतनी अनुकूल नहीं है जो होना चाहिए थी कोरोना के कारण से, पर उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी का ये पहल की है। इसके पहले देश के लिए प्रधानमंत्री जी ने की थी, दोनों साधु बात के साथ। भाऊ हो या दाऊ, घुटनों पे आएंगे सब मुंडे, धीरे धीरे सबका हो जाएगा। लेकिन आप ये बताइए कि हमारे सारे मंत्री जनता के बीच तो ठीक जा रहे हैं ना, कोई प्रभार का जिला बचा तो नहीं है? अभी महीना भर भी नहीं हुआ प्रभार के जिले को बटे हुए, और दो दो दिन हर मंत्री रह के आया है, कई लोग तो ज्यादा दिन रह आए। जनता से संपर्क और संवाद ये आधार है हमारा, शुद्ध सात्विक प्रेम ये आधार है हमारा, चरैवेति चरैवेति ये है जड़ हमारी। गृह मंत्री मिश्रा ने मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल पर कहा कि वैट कांग्रेस ने बढ़ाया, जबकि उनके घोषणा पत्र में वैट कम करने का वचन दिया गया था। फिर सवाल हमसे क्यों पूछा जा रहा है? कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और ट्रांसफर उद्योग चलाने के अलावा और क्या किया? नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कमलनाथ मुख्यमंत्री रहते हुए कभी किसी गरीब को 1 रुपया भी नहीं दे पाए। राहुल गांधी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। देश उनके किसान प्रेम को जानता है। जब किसान आंदोलन चरम पर था तब राहुल गांधी विदेश चले गए थे। और संसद और विधानसभा बौद्धिक चर्चा के लिए होती है, लेकिन कांग्रेस से बौद्धिक चर्चा से भागती है। उन्होंने कहा, टीवी और ट्विटर पर चलने वाली पार्टी से अब हम क्या उम्मीद करें? एक आध मांग वो उन्होंने अपने समय में किसी की पूरी करी हो और ट्वीट करें, वो मुख्यमंत्री नहीं रहे होते और ट्वीट कर रहे होते तो भी ठीक था। मेरे को तो समझ ही नहीं आता, वो कभी किसान पे करते हैं, कभी नौजवान पे करते हैं, कभी जब वो थे तब क्या किया? भ्रष्टाचार के अलावा, ट्रांसफर के अलावा तो कुछ किया नहीं था, तो अब क्या करेंगे? अब ट्वीट ही करेंगे? जिनने कभी बांटे ही नहीं हो उनको तो मजाक लगेगा। कभी कांग्रेस के लोग 1 आध किलो ही बांट देते पूरे मध्य प्रदेश में, वो फिर कहते तो अच्छा लगता। टीवी और ट्विटर पर चलने वाली पार्टी के लोगों से क्या उम्मीद करेंगे? ये तो मोदी जी शिवराज जी की सरकारें हैं। देखो, संसद हो या विधानसभा, ये बौद्धिक चर्चा के लिए होती है, बाहुबल के लिए नहीं होती। वो बौद्धिक चर्चा में क्यों भाग नहीं लेते ये पूरा देश जानता है। कभी ट्रैक्टर पर सोफा लगाना, कभी ट्रैक्टर पर बिठालना, जो उनका कांग्रेस का ट्वीट है उसमें जवाहरलाल से लेके सोनिया के लाल तक का ट्रैक्टर चलाते हुए फोटो है। आप इससे अंदाज कर सकते हैं, किसानों का जब आंदोलन पीक पे था तब छोड़ के विदेश चले गए थे। इसी को क्रोकोडाइल टीयर कहते हैं, घड़ियालू आंसू इसी को कहते हैं। देश अब राहुल जी को और उनकी पार्टी कांग्रेस को अच्छे से समझ गया है। अब ये तो वो लोग कम राजस्थान में तो लेना ही था, और जवाब और बढ़ाया कमलनाथ जी की सरकार ने था, और कमलनाथ जी की सरकार के ही घोषणा पत्र में था कि हम वैट कम कर देंगे डीजल पेट्रोल पर। उन्हीं ने कम नहीं किया, उनकी गलती है, हमसे क्यों पूछ रहे हैं कांग्रेस के लोग? संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।